अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। दिस इज़ फ़हीम सलीम, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हाई टेक सलीम इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज मैं पब्लिक एड्रेस एम्पलीफायर में इको सर्कल लगाने का तरीका, और वो सर्कल कौन सा है उसके बारे में, और वो कितने वोल्ट पे ऑपरेट होता है, और वो कैसे लगाते हैं, ये सब कुछ मैं आपको आज मैं इस वीडियो में बताऊँगा। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। आपके पास 12 वोल्ट पे जो ऑपरेट होता है वो एम्पलीफायर है, या 220 पे जो ऑपरेट होता है वो वाला एम्पलीफायर है? दोनों में इको सर्कल लगाने का तरीका सेम है, बस थोड़े से एक कनेक्शन का फ़र्क होता है। उसके बारे में मैं आपको वीडियो में डिटेल से बताऊँगा। तो चलो आए करते हैं वीडियो शुरू। जी, ये सर्किट है इको का, ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है हमारे स्टोर पे, हाई टेक सलीम इलेक्ट्रॉनिक के नाम का स्टोर है दराज.com पे, वहाँ से आप ये ऑनलाइन भी बाय कर सकते हैं। इसको लगाने का जो तरीका है वो इंतहाई आसान है, इसमें हर चीज़ मेंशन की हुई है। ये आउट है, ये इन है, और इसकी जो जमा और माइनस के जो सप्लाई के कनेक्शन है वो भी ऊपर मेंशन किए हुए हैं। ये 12 वोल्ट पे भी ऑपरेट होती है। अगर आपके एम्पलीफायर में 220 पे ऑपरेट होता है तो उसमें होते हैं 30 जमा 30 वोल्ट या 40 जमा 40 वोल्ट। ये सर्किट जो है उस पे भी ऑपरेट होता है, सिर्फ जो 220 पे ऑपरेट होता है। ये जो रिसेंस लगी हुई है यहाँ पे 1.5 के 2 वाट में लगानी होती है। अगर 12 वोल्ट में आपके पास 12 वोल्ट का एम्पलीफायर है तो उसमें ये 100 ओम 2 वाट में, 100 ओम 2 वाट्स में आपने लगानी है। तो चले आइए, अब मैं इसको लगाता हूँ, और मेरी वीडियो को स्किप मत करें ताकि आपको सही समझ आ सके। जी, सबसे पहले तो हम इस एम्पलीफायर के वोल्ट चेक करते हैं। ये 16 17 वोल्ट आ रहे हैं इस पे। अब आपने यहाँ पे माइनस और प्लस की तार लगानी है। यहाँ पे आपने प्लस लगानी है, प्लस की तार लगानी है पॉजिटिव करंट जो है। और यहाँ पे आपने माइनस की तार लगानी है। बाकी ये जो सर्किट है ये क्लियर होता है। टेस्टिंग सर्किट अवेलेबल है दराज.com पे। और एक वायर आपने जो लगानी है वो आप जब ये सर्किट में अभी लगाता हूँ तो ये इन आउट की एक वायर लगानी है। ये इसकी इन आउट है, ऊपर मेंशन है।
अब आपने इसका जो पॉजिटिव करंट है वो एम्पलीफायर में जो ट्रांसिस्टर लगे हुए हैं वहाँ पे दे दें, या जो डीसी फ्यूज़ लगा हुआ है ये वाला आप यहाँ पे दे दें। और जो जो इसका माइनस है वो आपने ये जो माइक साकटें लगी हुई हैं इनके जो ग्राउंड होता है वहाँ पे दे दें, शोर बिल्कुल नहीं आएगा, जो हमिंग वगैरह नहीं आएगी। अगर आप इधर देंगे इसका जो माइनस करंट है ग्राउंड जो है तो थोड़ी सी हमिंग आएगी। अगर आप ये माइक सॉकेट पे देंगे, जो माइक सॉकेट का अर्थ होता है, तो वह उस पर हमिंग नहीं आएगी। ये अब मैंने इसके जो सप्लाई के कनेक्शन थे वो मैंने कर लिए। अब मैं आपको वोल्ट चेक करवाता हूँ इसके जो। इधर करें भाई, ये उधर करें, जरा मीटर की तरफ करें। ये 16 वोल्ट आ रहे हैं और ये आगे 5 वोल्ट निकाल रहा है जी। अब हम इसकी जो सिग्नल है इस सर्किट को वो देते हैं जी। अब आपने क्या करना है कि जो आपके एम्पलीफायर का जो मास्टर वॉल्यूम है वहाँ पे एक वायर के ऊपर जो है ना सिग्नल आ रहा होगा, जैसे कि ये है, आपने इसको यूज़ नहीं करना। अगर इसको भी यूज़ करेंगे तो थोड़ा सा जो है ना वो शोर सर्किट इको सर्किट में आएगा शोर। आपने क्या करना है, इसमें जो सिग्नल ये सिग्नल आ रहा है आपने ये वाला पॉइंट नहीं यूज़ करना है। आपने एक साथ ही उसके पॉइंट है, इसमें सिग्नल नहीं आ रहा, ये देखें इसमें सिग्नल नहीं आ रहा। ये ना इस वायर में ना सिग्नल नहीं आ रहा, ये मास्टर वॉल्यूम पे लगा हुआ है पॉइंट। एक तार में सिग्नल आ रहा है और एक में नहीं आ रहा है, जिसमें नहीं आ रहा वो आपने इसकी आउट पे लगा देना है। जो इको सर्किट है ये आपको ऑनलाइन भी मिल जाएगा draaz.com से। ये जो सिग्नल नहीं आ रहा जिस वायर में वो आपने वहाँ पर लगाना है, और साथ ही एक पॉइंट यहाँ से आपने वायर लगा के तो आपने सिंपल यहाँ से ना इसको मास्टर वॉल्यूम पे जो पॉइंट इसका जो नहीं खाली हुआ है, जो हमने इधर लगाई है वायर, वहाँ पे आपने लगा देना है। ये मैं अब इसको आपको चेक करवाता हूँ। अब इसको माइक के ऊपर आपको मैं चेक करवाता हूँ। हेलो 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 हेलो। आपने अगर अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें। हेलो 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 हेलो। ये इसका डिले सिस्टम है,
हेलो, 1 2 3, हेलो, 1 2 3, ये जो मैंने इसके अंदर इको का सर्कल लगाया है, ये आप draaz.com से बाय कर सकते हैं। इसकी जो क्वालिटी है बहुत ज़बरदस्त इसकी क्वालिटी है। मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।